नमस्कार दोस्तों, रेसिपीज वर्ल्ड में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, ये स्प्रिंग रोल की रेसिपी जो है ना, खाने में बहुत टेस्टी और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। ये ऊपर से तो एकदम क्रिस्पी होती है, पर अंदर इसका वेजिस से भरा होता है, जो कि खाने में बिल्कुल लाजवाब टेस्ट देता है। इसे बनाना बहुत आसान है, ये बिल्कुल कम समय में बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने एक बाउल लिया है, या बाउल शेप का कोई भी बर्तन ले लीजिए। अब हम इसमें मैदा डालेंगे। ये मैदा हमने 2 टेबल स्पून लिया है, ये लगभग 80 से 90 ग्राम जितना है। और अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। ये हमने बेकिंग सोडा लिया है, ये हमने हाथ में एक चुटकी ही डाला है। और ये अब हम इसमें 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देंगे और इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका डो तैयार हमको कर लेना है। ये आटे को हमको थोड़ा सा जो है टाइट गूंथना है, मतलब जो है सख्त होना चाहिए इसका जो लोई हम तैयार करेंगे। तो देखिए, अब हम इसको 20 मिनट इसको रेस्ट पे रख देंगे। और अब हमने एक पैन जो है गैस पर इस तरह से रख दिया है, गैस का फ्लेम हमने लो रखा है। अब हम इसमें पत्ता गोभी, गाजर और ये एक प्याज हमने लंबे लंबे स्लाइस चॉप किए थे उसको डालेंगे। और ये हरी मिर्च हमने इसमें डाला है। और अब हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे, गैस को हमने मीडियम फ्लेम में रखा है। और अब इसको इस तरह से सौते कर लेंगे, इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, इसको इस तरह से लगभग हमने 3 से 5 मिनट हमने फ्राई किया है इस तरह से। और अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले रेड चिली सॉस डालेंगे और इसके बाद हम ग्रीन चिली सॉस, टोमेटो केचप और अब हम इसमें वेनेगर डालेंगे। इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। और नमक हम इसमें स्वाद के अनुसार ही डालेंगे। इसको कर लेंगे एकदम अच्छे से मिक्स और लगभग हम इसको 2 मिनट और इसको पकाएंगे, उससे ज़्यादा देर इसको नहीं पकाना पड़ेगा। तो ये देखिए, इसको इस तरह से चलाते हुए हमें 2 मिनट पका लेना है इस तरह से। तो ये देखिए, अब लगभग जो है पक के तैयार हो गया है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे, इसको ऐसे ही खुला छोड़ देंगे। और ये देखिए, हमारे ये जो हमने डो तैयार किया है ना गूंथ करके, ये रेडी हो गए। इसको थोड़ा सा हाथ से ऐसे मसल लेना है, क्योंकि हमने इसको टाइट गूंथा हुआ था, मतलब इसका आटा हमने सख्त लगाया है। और अब हम इसके छोटे छोटे जो है पेड़े तैयार कर लेंगे, मतलब लोइयां हम इसकी बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से लोई बना लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, इस तरह से लोई बनाकर, ये देखिए, थोड़ा सा 2 बूंद हमने ऑयल लिया है और उस लोई को रख करके इस तरह से हमें इसको एकदम पतला सा बेलना है, मतलब ये जितना पतला हो जाए, मतलब पारदर्शी जैसे आर पार दिखने लगता है ना, बिल्कुल वैसा ही इसको हमें बेल कर तैयार करना है। ये देखिए, बिल्कुल पतला सा बेला है ना, आर पार दिख रहा है। तो अब हम इसको रेक्टेंगल शेप में इस तरह से कट कर लेंगे, चकोना आकार में। और ये बाकी का ये जो है ना, इसको हटा देंगे। तो ये देखिए, हमने स्प्रिंग रोल के लिए एक तैयार किए। तो देखिए, सारे हमने बेल करके तैयार कर लिए हैं। अब इसको लगभग 5 मिनट पंखे में सुखा देंगे। और अब हमने ये जो वेजीज हमने तैयार किया है ना, उसको डालेंगे। थोड़ा सा पनीर का स्लाइस डालेंगे इस तरह से, पनीर का छोटा सा स्लाइस है। और उसके ऊपर में फिर से वेजीज को कवर कर देंगे। ये हमने हल्का सा पानी उसमें लगाया है, इसको इस तरह से रोल करते हुए इस तरह से साइड पे से चपटा कर लेंगे। और अब हम इसको, ये देखिए बन गया। एक और हम आपको दिखाते हैं। इसमें हम इस तरह से वेजीज डालेंगे, इस तरह से फैला लेंगे थोड़ा सा। इसके ऊपर में हम पनीर का स्लाइस डालेंगे, इसके ऊपर में फिर से वेजीज डाल देंगे। और ये पानी इसमें हम इसमें लगाए हैं ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। और इसको इस तरह से देखिए फोल्ड करते हुए इसको ऐसे थोड़ा सा चिपका देना है। तो ये देखिए, स्प्रिंग रोल के लिए हमने सारे तैयार कर लिए हैं। ये 6 हमने तैयार किए हैं। और ये देखिए, कुकिंग ऑयल को हमने गैस पे रख दिया है। ऑयल जो है बिल्कुल परफेक्ट गर्म हुआ है, क्योंकि हल्के से उसमें बुलबुले उठ रहे हैं। और अब हम ये जो स्प्रिंग रोल हमने तैयार किया है ना, उसको हम इसमें फ्राई करने के लिए डाल देंगे। ध्यान रखें, गैस का फ्लेम जो है मीडियम या लो ही हो, हाई बिल्कुल भी ना रखें, नहीं तो ये अंदर तक नहीं पकता है। तो हमने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखा है। इसको इस तरह से उलट पलट कर लेंगे इस तरह से। ये हमने 2 मिनट इसको पकने दिया था, उसके बाद ही हम इसको पलट रहे हैं।
ये देखिए एक साइड जो है पक चुका है, तो अब हम इसका दूसरा साइड भी इस तरह से पलट करके पका लेंगे। इसको हल्का ब्राउन होते तक सेकना है। इससे क्या होता है, बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाता है। तो अब हम ये देखिए पूरी तरह से ये पक गया है, इसके उलट पलट करके हमने पका लिया है और अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे, इस तरह से हल्का सा सुनहरा कलर इसमें आ गया है। और अब हम इसको टिश्यू पेपर पे रखेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना उसको ये पेपर एब्जॉर्ब कर ले। तो देखा ना दोस्तों, इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। इसको आप टोमेटो केचप के साथ इंजॉय करें या आप इसको ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होती है। देखिए हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये ऊपर से ऐसे ही क्रिस्पी और क्रंची होती है और अंदर जो है इसका एकदम सॉफ्ट वेजीज से भरा होता है। ये खाने में बड़ी ही मज़ेदार लगती है, बड़ी ही लाजवाब टेस्ट की होती है और टोमेटो केचप के साथ तो इसके स्वाद में चार चांद ही लग जाता है। तो देखा ना दोस्तों, ये रेसिपी स्प्रिंग रोल की बहुत ही इजीली बनकर तैयार हो जाती है और खाने में बड़ी ही मज़ेदार सी लगती है। इसे आप कभी भी घर पर बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।